बरसात शुरू होने से पहले इन नालों की सफाई को लेकर नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने व्यापक अभियान चलाया था और भारी भरकम बजट भी नगरपालिका प्रशासन के लिए रिलीज कराया था। लेकिन जनपद मऊ के सादतपुरा इलाके में बजबजाती हुई नालियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नाली की सफाई हो रही है क्या? सफाई हो रही है पर उसे संतुष्ट आदमी नहीं हो रहा, क्योंकि सही साफ नहीं हो पा रहा है नाली। कहाँ कहाँ से ठेकेदार आया, अभी बरसात चालू हो गया और अभी भी नाली ऊपर तक है। ये हम लोग का मोड़ है, जो शहादतपुरा का मोड़ है ना, यहाँ से लेके और पुरानी तहसील का साफ हो रहा है, पर वो अभी क्लियर साफ नहीं हो पा रहा है। बरसात के मौसम को देखते हुए साफ नहीं हो पा रहा है। ये बड़े नाली की सफाई कैसे दिख रही है? अभी अभी उतना सही नहीं हुआ है, जब सही हो जाएगा तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बारिश आगे बावजूद इसमें सफाई नहीं हो पाई? नहीं, अभी नहीं हो पा रही है। नाले की सफाई कैसे हो रही है? नाले की सफाई बरसात को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं हो रही है। नाला ऊपर तक भरा है, ठेकेदार आया, अभी एकदम बारिश आती नाले रोड भर जाती है। ठेकेदार सफाई किया इस बार? साफ हुआ है मगर संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं? कितने क्या लगता है कितनी सफाई हुई है? बहुत ज्यादा, जहाँ इसका चैम्बर है बस वहीं पे थोड़ा मोड़ा निकलता है, अंदर का जो माल आता है उसमें रहता है। ठीक। मऊ जनपद के मुख्य इलाके शहादतपुरा में भरी हुई नालियों का अंबार देखने के बाद से तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि शहरों में नालियां क्यों चोक कर रही हैं। इस बीच जहां जगह जगह पर थोड़ा सा मलबा निकाल कर ठेकेदार नगरपालिका से और सरकार से भारी भरकम रकम वसूल कर रहे हैं, उसको लेकर भी गहरी चिंता जताई जा रही है। इस बीच स्थानीय लोगों में जहां खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि ठेकेदारों की मनमानी कब तक चलेगी। इसके बारे में ईओ को भी संज्ञान किया गया है और जेई को भी संज्ञान किया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी में कोई हरकत अभी तक नहीं है, कि क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। लगातार सिंचाई रोग को लेकर नगर पालिका और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अभियान चला रहे हैं कि इससे रोग ना हो, लेकिन पूरे आबादी के अंदर जल जमाव की निरंतर बद से बदतर स्थिति में है। बड़े नाले की सफाई के नाम पर ठेकेदार जो है भारी भरकम सरकार से पैसा वसूलते हैं, लेकिन सफाई की बात भी देखी जाए तो केवल ये कोटा पूरा करके चले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा है, क्योंकि स्टेट है ये नाला कभी पूर्ण रूप से साफ हुआ ही नहीं अभी तक। क्या लगता है कि इतना पैसा लेकर जाते हैं ठेकेदार, ये काम क्यों नहीं करते हैं? सरकार एक्शन ठेकेदारों पर क्यों नहीं लेती है? अधिकारी से लेके और ठेकेदार तक के लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इससे, क्योंकि हमने कई बार ईओ साहब को भी इस मामले को संज्ञान में दिया, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई हुई नहीं। और उसके बाद न थक हार के फिर मैं सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा किया गया। अच्छा, इस पूरे इस मामले को लेकर चेयरमैन की संवेदनहीनता देखी जा रही है कि वो व्यक्ति केवल एक बड़े आशियाने में बैठकर केवल टाइम पास ही कर रहा है, ना कि काम देखता है। ऑफिस में बैठकर कैसे चेयरमैनी चलेगी? अब तो चेयरमैन साहब को क्षेत्र का एक बार भ्रमण कर लेना चाहिए कि इस पूरे नगर पालिका की कितनी दैनिक स्थिति है, ताकि लोगों को एक सार्थक जवाब दिया जा सके। लेकिन उनका सारा काम एक वर्ग विशेष के भीतर ही देखने को मिलता है। शहादतपुरा जो एक इलाका काफी बड़ा इलाका है, बड़ी आबादी भी है, विस्तृत क्षेत्र भी है, बावजूद इसके नगरपालिका का काम काफी कम दिखता है यहाँ पर। ये चीज जो नगरपालिका का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ सफाई कर्मचारी से लेके जो यहाँ के सफाई इंस्पेक्टर धरेंद्र है, उनके तरफ से लगातार उदासीनता आती है, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर लगातार मांग चलती रही है कि नगर पालिका के पूर्वी हिस्से में कम से कम सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, और ऊपर से जो भी इन वार्डों में, खासतौर शाहपुरा ही नहीं, जामुद्दीनपुरा है, शाहपुरा है, फिर आपका बकवल है, फिर ये आपका गालीपुर है, तो इन सब हिस्सों की जो भी अनियमितताएँ, जो भी कमियाँ हैं, इनको जितना जल्दी हो सके इनको दूर किया जाए।